मौत का कुआ आम से मौत का कुआ कथा कहूनु जहाँकि आप जात्रा हो कि प्रदर्शनी हो कि सर्कस देखिथे जो मौत का कुआ रही था से बाइक किंबा कार रे किछि स्टंट देखा जाए था। ये मौत का कुआ एभली गोटे मौत का कुआ जो थे कि 35 जन जीवन चली जाइए कौन आसतु नजर पकेबा। इंदौर रे मंदिर कुओ छात भुशुड़ा घटन मृत्यु संख्या 35 को वृद्धि पाई आहुरी किछि लोक माटी तले चापी रही ये अनुमान कर एनडीआरएफ एसडीआरएफ मुतयन रही उद्धार कार्य उद्धार कार्य को अधिक त्वरान्वित करने सेना को मुतयन कर दि जाए दीर्घ 20 घंटा हेला ये उद्धार कार्य जारी रही है। डाक्तरखाना 20 रु अधिक आहतर चिकित्सा जारी रही गत काली मध्यान भली गोटे दृश्य सामना को आसीला रामनवमी अवसर रही खुशी माहौल एटी मध्य खुशी माहौल रही समस्त श्रद्धालु आसी बेलेश्वर मंदिर रे पूरा श्रद्धालु भिड़ लगी पड़ा अत्याधिक भिड़ को देखी किसी श्रद्धालु मंदिर छात उपरे बसी अचानक मंदिर छातटी भुशुड़ी पड़ा आऊ चाहू कूर छात उपरे बसी श्रद्धालु माने कूँ भितर को खसी पड़ते घटनास्थल तुरंत पुलिस प्रशासन रेस्क्यू टीम पहुंची उद्धार जारी करते आहत को उद्धार कर निकटस्थ हस्पिटाल भर्ती करा चापी रही लोकों उद्धार पाई उद्यम जारी रही माने एबी रेस्क्यू ऑपरेशन चली पूरा स्थिति को नहीं आम आपण निकट में अपडेट रखू अधिक आलोचना करने आम सहित फोन लाइन रही मुकेश लाल अवस्थी रही वरिष्ठ सांबादिक भोपाल रही मुकेश जी न्यूज 7 को आपको स्वागत है। पहले जानना चाहेंगे वहाँ की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं। देखिए इंदौर के जो बालेश्वर महादेव मंदिर में जो कल हादसा हुआ है जी वो अभी ताजी जानकारी ये है कि अभी तक कुल 36 लोगों की जान चली गई है और करीब 20 से 25 लोगों का अभी वहाँ इंदौर के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंदिर के जो ट्रस्टी थे ट्रस्टी सेवाराम गलानी इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है और अभी भी रेस्क्यू टीम काम कर रही है। मलबा जो है वो हटाया जा रहा है मंदिर की जो छत गिर गई थी वो छत के नीचे अभी और कितने लोग दबे हुए हो सकते हैं अभी कोई ऐसा आकलन नहीं किया गया है लेकिन जैसे जैसे मलबा हट रहा है घायल लोग या जो मृत हो चुके उनके सब बाहर निकाले जा रहे हैं। जी जी मुकेश जी और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे देख रहे हैं आप क्योंकि चैलेंजिंग भी कहा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। देखिए रेस्क्यू टीम के लिए ये घटना काफी चैलेंजिंग है बिल्कुल। दरअसल जो भगवान शिव का जो मंदिर है उस मंदिर का जो गर्भगृह है गर्भगृह के ठीक सामने ही एक बावड़ी जिसको कुआ बोल सकते हैं बावड़ी है और ये जो लोग थे ये भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के हवन कर रहे थे जी। तो तभी अच्छा इसके ऊपर बावड़ी के ऊपर काफी लोग बैठे हुए थे तो उसका पूरा वजन जो कहना चाहिए या बावड़ी का जो छत था वो जीर्ण शीर्ण था वो गिर गया उसको गिरने से जो लोग हवन कर रहे थे वो उसके नीचे दब गए। तो काफी चैलेंजिंग तो है अभी मतलब जो बाड़ी निकाली है 36 बाड़ी में निकल चुकी है जो कि मतलब 36 लोग मतलब कहना चाहिए कि मृत मिले हैं और करीब 20 से 22 लोग ऐसे हैं जो गंभीर हैं और कुछ चोटिल हैं जिनको इंदौर के सरकारी हॉस्पिटलों में और इंदौर के निजी हॉस्पिटलों में उनका इलाज चल रहा है। सीएम शिवराज ने भी संज्ञान लिया है सीएम शिवराज भी वहां पहुंचे थे। अच्छा ये बता दूं आपको कि सीएम जब पहुंचे तो ये घटना से जो लोग आहत हो गए थे या लोगों ने नाराजगी थी तो सीएम के पहुंचते ही लोगों ने वहाँ शिवराज सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश ही बताया क्योंकि घटना काफी बड़ी है मध्य प्रदेश की काफी बड़ी घटना है। रामनवमी का दिन था धार्मिक आयोजन से लोग जुड़े हुए रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी रामनवमी का अवसर था खुशी का एक माहौल था बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे इकट्ठे हुए थे सुरक्षा कैसी थी ये जानना चाहेंगे थोड़ा। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं मंदिरों में तादाद से ज्यादा लोग प्रवेश करते हैं लेकिन ये जो हादसा है ये थोड़ा अलग टाइप का हादसा है। इसमें क्या हुआ है कि लोग जो मंदिर की जो छत थी छत के ऊपर जाके बैठ गए तो है ना उस हाँ तो क्या हुआ होगा कि मंदिर काफी पुराना है उसकी छत पुरानी है तो जो बैलेंस है वो बैलेंस के कारण वो छत नीचे गिर गई। अच्छा मंदिर में जो गर्भगृह बना है भगवान शिव का वहाँ करीब 50 से 60 लोग वहां पर बैठ के पूजन कर रहे थे हवन कर रहे थे तो जो ऊपर जो लोग बैठे थे जी। तो वो उनके गिरने से ये छत टूटा और वो नीचे लोग दब गए। अच्छा यहाँ सवाल ये आता है कि सुरक्षा के इंतजाम
तो मंदिर में दरअसल ये देखा जाता है कि पुलिस बाहर हस्तक्षेप करती है कि बाहर भीड़ ना लगे, लोग बाहर धक्का मुक्की ना हो, बाहर परेशानी ना हो, लेकिन मंदिर के अंदर क्या हो रहा है, मंदिर के अंदर लोग कैसे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद मुकेश जी। मुकेश लाल अवस्थी वरिष्ठ सांबादिक भोपाल राम रही थे। स्थिति किभली वर्तमान रही, रेस्क्यू ऑपरेशन एवं भी जारी रही, कारण सन्देह करी दबी रही, कारण जो कू कथा कहु बहुत पुराणा कू रही गभीर अधिक रही आहरी दबी रही रोचे सूचना, तेणु रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रही।